अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को आई मेकअप नहीं बताऊंगी, आज मैं आप लोगों को ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन की बेस बनाना बताऊंगी। ज़्यादातर लोगों का मेरे सवाल यही होता था कि आप प्रॉपर बेस की वीडियो बनाएं। तो हमने आई मेकअप कर लिया और हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, वन ब्रांड का कंसीलर है, ठीक है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रिटिश टोन पे। अभी मैंने प्राइमर अप्लाई नहीं किया है ब्रिटिश टोन पे, मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ वन ब्रांड का कंसीलर। डायरेक्ट कंसीलर यूज़ किया है। इसके बाद आपने क्या करना है कि एक मेरे पास ये मिनी स्पंज है और इसके साथ मैं कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, अभी इतनी ज़्यादा एक्नी इनकी स्किन पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन इनकी स्किन पे एक्नी थी। अभी मैं पीच परफेक्टर यूज़ कर रही हूँ वन ब्रांड का। इसके अंदर क्या है कि इस आपका इल्यूमिनेटर भी है, ये प्राइमर भी है और साथ में आपका कंसील भी कर रहा है। तो ये पीच कलर का है, आपने पीच कलर में यूज़ करना है और ये आते ही वैसे पीच कलर में है। इसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको ब्लेंड कर रही हूँ और इसको आपने स्प्रेड कर देना है अपनी एक्नी वगैरह जहाँ पर है उस जगह पर कर दें। इनका कॉम्प्लेक्शन भी टलता और साथ में इनको एक्नी भी थी बारीक। अब आपने क्या करना है, आपने बेस अप्लाई करना शुरू करना है। बेस जो मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है क्रिस्टीन की डर्मा एक्स 38। और ये जो मॉडल मेरे पास आई थी ये काफ़ी ज़्यादा हेरी भी थी, इनकी सर्विसेज नहीं हुई हुई थी और फिर भी हमें इनका शूट था और हमने इनको मेकअप किया। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि अगर वो लोग कहते हैं कि सर्विसेज हों तो वो मेकअप करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप विदाउट समटाइम आपको विदाउट जिस तरह इनकी आईब्रोज भी नहीं बनी हुई थी, हमने इनको आई मेकअप भी कर दिया, बेस भी कर दी। तो बस अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरे गले से पता भी चल रहा होगा कि मेरा गला स्टिल सही नहीं हुआ है, तो एक इतनी अजीब सी आवाज़ हो रही, गले में भी काफ़ी ज़्यादा पेन है। आजकल सबके गले ख़राब और तबीयत ख़राब चल रही है। अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे और सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा, ये हम डर्मा एक्स ही अप्लाई कर रहे हैं, ये मूस फॉर्म में होता है और इसको आपने बस स्प्रेड करते जाना है। ये इतना अच्छा बेस है क्रिस्टीन का कि ये ईजीली सेटल्ड होता जाता है। आपने ना जब कॉम्प्लेक्शन डल हो तो अगर यहाँ पर पीच कलर नहीं यूज़ कर रही होती तो डल कॉम्प्लेक्शन में मैं यहाँ पर 45 भी यूज़ कर सकती थी फेयर करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको कंसील कर लिया था पीच कलर से, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसमें 45 भी ऐड करूँ, क्योंकि 45 में पिंक भी, लाइट पिंकिश सा कलर भी ऐड होता है। हमने ऑलरेडी पीच कलर अप्लाई कर चुके हैं। जब आप पीच कलर किसी भी बेस फॉर्म में यूज़ कर चुके हों तो आप इसको 38 के साथ ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन पे इजीली डील कर सकते हैं और इसकी स्किन नेचुरली फेयर होगी। जैसे समटाइम ऐसे होता है कि ज़्यादा डल कॉम्प्लेक्शन वालों को आप बहुत ज़्यादा फेयर बेस दे देते हैं तो वो फिर क्या होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थोड़ी देर बाद ग्रे ग्रे टोन देते हैं। हमेशा बेस का इंतखाब ऐसा करें कि आप कॉम्प्लेक्शन को देख लें, एक टोन उसको आपने, बेशक आप उसके लेवल टोन ले लें, जैसे 38 का टोन है 38 का ले लिया तो फिर आप कॉम्पैक्ट फेयर लगा लें। अगर आप बेस फेयर लगा रहे हैं तो कॉम्पैक्ट को मीडियम लगा लें। ये टेक्निक अगर आप याद रखेंगे तो कभी भी आपकी बेस ख़राब नहीं होगी, बेस काली नहीं होगी। बेस और बेस केकी कब बनती है, जब आप बहुत एक्स्ट्रा बेस अप्लाई कर देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं बेस अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ ये इसके बाल बहुत ज़्यादा थे मेरी मॉडल के, तो अप एंड डाउन जब भी आपके हेरी फेस हो आपका, आपकी क्लाइंट का, तो आपने अप एंड डाउन बेस अप्लाई करनी है और इसके बाद बेस बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा, अगर आई मेकअप की तरफ आ जाएँ तो मैंने इनकी वही क्रीज लाइन बनाई है रस से, फिर थोड़ा सा मेहरून से ब्लेंड किया और मैंने इनके कॉर्नर्स बनाए हैं ब्लैक के साथ और साथ में मैंने इनको ग्लिटर अप्लाई किया शैम्पेन कलर का, क्योंकि मुझे ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पता था इनका कैसा है, क्योंकि ड्रेस बाद में आया था तो इसलिए हमने उसको एक इस तरह के टोन में मेकअप दिया कि जो भी कलर का ड्रेस होगा, सॉरी जो भी ड्रेस का कलर होगा उसके साथ मर्ज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब एज़ यूजली हम करेंगे कंटूर। कंटूर करने के लिए राउंड फेस था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कंटूरिंग किस तरह की जाती है, ठीक है।
आप लास्ट वीडियोस में मेरी देख सकते हैं, मैंने कंटूरिंग का तरीका बताया हुआ है। 3 पार्ट्स में कंटूर होता है और 3 ही पार्ट्स में हाईलाइटिंग होती है। ये देखिए, इस तरीके से आपने क्रिस्टीन की कंटूर लगानी है। मैं क्रिस्टीन का कंटूर किट यूज करती हूँ, जहाँ से ईयर की लो स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपने लिप के कॉर्नर तक लाके ब्रशिंग कंटूर ब्रश को ब्लेंड करना है। जिस भी किस्म का फेस होगा आपके, आपको आपके फेस का कंटूर मिल जाएगा। जो लाइन को करेंगे कंटूर, क्योंकि इनकी जो हड्डी है यहाँ से, ये स्लिम तो थी लेकिन इनकी हड्डी यहाँ से चौड़ी थी, तो इसलिए हम इसको जो लाइन को कंटूर करेंगे। अच्छा, जब आप बेस के ऊपर कंटूर कर लेते हैं और हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं तो वो लास्टिंग हो जाता है। फिर आप फिक्सर अप्लाई कर दीजिए पाउडर फॉर्म में। बेस के ऊपर अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो देखें, ये सब चीज़ें पाउडर फॉर्म में हैं तो वो स्टक हो जाती हैं और ब्लेंडिंग और बैलेंसिंग दोनों आती है आपके मेकअप में। नोज़ कंटूरिंग का तरीका एक दफ़ा दोबारा बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद कुछ लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हों। मैं पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप नोज़ कंटूर करें तो आप नोज़ कंटूरिंग की जो शार्प लाइंस हैं वो आप कनेक्ट करेंगे लाजमी आपके क्रीज लाइन से। इसके बाद मैं लिप्स को कंटूर करूँगी। समटाइम ऐसे होता है कि आपके लिप्स बहुत बैठे बैठे होते हैं, तो उनको शेप आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कंटूर करना। आपने लिप के जहाँ पर नोज का शार्प लाइन आ रही है वहीं से कंटूर करके और नीचे लोअर लिप को भी कंटूर कर दीजिएगा। यूज करेंगे हम हाइलाइटर। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से इनके फीचर्स अलग अलग सब पता चल रहे हैं। हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं हुदा का पायलट। हुदा का पायलट का मैं यूज कर रही हूँ वाइट गोल्ड। और फीचर्स को अब जहाँ जहाँ से आपने इन्हेंस करना है वहाँ वहाँ से आप हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। थ्री पार्ट्स कंटूर एंड 3 पार्ट्स हाइलाइटिंग। लैशेस जो मैंने यूज किए हैं वो 3D लैशेस हैं। अब आप देख लीजिए, अब देखिए इनकी जो अंडर आई जो थी वो लाइन्स आ रही थी, तो आपने उसको ब्लेंड करके और फिर फिक्सर अप्लाई करेंगे पाउडर फॉर्म में। आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी यूज़ कर रही हूँ हमारा क्रिस्टीन का अभी फिल। मैं सबसे पहले अप्लाई कर लूँ यहाँ पर लोअर लाइनर पर पाउडर केक लाइनर, क्योंकि इनकी बार बार लाइन्स पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ।
जब भी आपकी आंखों के नीचे अगर क्लाइंट के डार्क सर्कल ज़्यादा हो तो फिर आप ब्राउन या पर्पल कलर की लाइन को मर्ज कर लीजिए। अब हम यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टीन एज फिक्सर, क्रिस्टीन का कंटोर सॉरी लूज कॉम्पैक्ट पाउडर 9x2। पूरे दिन के इतने थके हुए होते हैं ना कि इस टाइम जब रात को बैठ के वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो माइंड भी थोड़ा वो हो रहा होता है। एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट आउट कर दीजिए। हाइलाइटर दोबारा अप्लाई कर रहे हैं जहां जहां हमें जरूरत है। अब हम यूज करेंगे व्हाइट पेंसिल आंखों के अंदर व्हाइट काजल। आंखों में यूज कर रही हूँ व्हाइट काजल पेंसिल। आप सबका शुक्रिया, आप सब मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अब हम यूज करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक में सबसे पहले मैं सिंपल ग्लॉस लगा रही हूँ रस्ट कलर का। रस्ट कलर का ग्लॉस आप सब पूरे लिप्स पे अप्लाई कर दीजिए। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे इनको लिप्स पे। हमने जब ग्लॉस अप्लाई कर लिया तो हमें मुझे महसूस हुआ कि जब इनका उस टाइम तक ड्रेस आ चुका था तो फिर मैंने इसको लिप को लिप लाइन किया पिंक कलर के साथ। आप मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि आप जब भी लिपस्टिक लगाएं तो दो कलर को मिक्स करके लगाएं, लिप्स अच्छे लगते हैं, लिपस्टिक अच्छी लगती है। और जैसे आई शेड्स भी यूज़ कर रहे हैं तो आई शेड्स अच्छे लगते हैं। अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें कलर सेंसेस नहीं आती तो किस तरह यूज़ करें। कोशिश करें कि जो क्रीज लाइन पर आप कलर यूज़ कर रहे हैं, अब ये नहीं कि अगर आप क्रीज लाइन पर ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं तो वही लिप्स पे हो, लेकिन जो कलर ब्लेंडिंग या सॉफ्ट एजेस पे आ रहा है तो वो लिपस्टिक्स में यूज़ करें तो बहुत अच्छा आपका मेकअप लगेगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल का आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मज़ीद वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने बताना है मुझे। और लास्ट में टचअप में दे रही हूँ और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।